YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। वीडियो हम बात करेंगे पांच बेहतरीन शेयर जिसे आप इस गिरावट में बाय कर सकते हैं। ये पांचों कंपनियां एक ब्लू चिप कंपनियां है। तो जब मार्केट में वोलेटिलिटी हो, मार्केट में अनिश्चितता हो, तो आपको ऐसे ही ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करनी चाहिए। तो उन ब्लू चिप कंपनियों में सबसे जो पहली कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। काफी बेहतरीन ये स्टॉक्स है। अगर बात करें तो यहाँ पर इसका जो सपोर्ट लेवल है उसके बहुत ही करीब है और इसका 2300 से लेकर के नीचे का जो लेवल है 2250 ये सपोर्ट रीजन है। इस सपोर्ट रीजन के आसपास ही ये स्टॉक्स आप अभी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी सपोर्ट के आसपास यहाँ पर लेते हैं तो इसके नीचे जस्ट जो है स्टॉप लॉस रखना है वो है 2200 के नीचे क्लोजिंग बेसिस। और जो टारगेट आपका आएगा, जो सबसे पहला टारगेट होगा वो आपका 2560 रुपीज का होना चाहिए। फिर जो आपको सेकेंड टारगेट रखना है वो है 2746 रुपीज का। और अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट करता है, ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है, तो निश्चित रूप से ये जो डिप्थ है 400 रुपीज का, ये ऊपर आप टारगेट रख लीजिए। मतलब 3000 का टारगेट आपको मिलेगा अगर यहाँ पर ये स्टॉक्स ब्रेकआउट देता है तो, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको मिलेगा। मतलब काफी ज्यादा टाइम लग सकता है उस टारगेट को आने में। फिर जो दूसरा स्टॉक्स है वो है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड भी काफी बेहतरीन स्टॉक्स है और ये भी सपोर्ट के आसपास है। इसका जो सपोर्ट रीजन है वो है 3340 रुपीज से लेकर के नीचे का जो रीजन है वो है 3200। ये रीजन जो है इसका सपोर्ट रीजन है। तो यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट रीजन से देखिए यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा। जो भी स्टॉक्स आपको बता रहे हैं उसमें ये भी बताएंगे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री भी अपने सपोर्ट से ये बाउंस बैक किया था, तो ये स्टॉक्स भी यहाँ पर देखिए बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट होने के बाद जैसे ऊपर का ट्रेड पकड़ता है तो आप यहाँ पर बाइक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 3200 के नीचे चला जाता है तो फिर यहाँ पर आपको बाइक नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तब अगर आप टारगेट की बात करें तो पहला जो टारगेट में रखना है 4000 का। देखिए काफी अच्छा खासा टारगेट है, यहाँ पर आप 3450 के आसपास बाय करते हैं तो पहला टारगेट 4000 का होगा, जो कि काफी बेहतरीन टारगेट है। उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा 4600 का। उसके बाद अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो फिर हम इसमें 5000 का टारगेट लेके चलेंगे। तो ब्रेकआउट मिलने पर 5000 तक आराम से जा सकता है स्टॉक। साथ ही साथ 5000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहां पर स्टॉक रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। देखिए बहुत ही सिंपल चार्ट पैटर्न है, इसी सिंपल चार्ट पैटर्न को मैं फॉलो करता हूं, तो आपको भी बता रहा हूं कि इस प्राइस में बाय करते हैं तो क्या स्टॉप लॉस आपको लेके चलना है। अब या फिर जो तीसरा स्टॉक है वो है एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट भी काफी जबरदस्त लेवल पे मौजूद है। यहाँ पर इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है 3020 के, और यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर सपोर्ट लेकर यहाँ बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट होता है, मतलब यहाँ थोड़े दिनों तक कंसोलिडेट होने के बाद जैसे ऊपर का ट्रेंड ये पकड़ता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्टॉप लॉस भी आपको रखना है कि अगर ये 2950 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर आपको इस स्टॉक्स को बाय नहीं करना चाहिए। फिर टारगेट की बात करें तो यहाँ पर जो आपको टारगेट रखना है वो है 3590 रुपीज का, और अगर यहाँ पर ब्रेकआउट कर देता है स्टॉक्स तो निश्चित रूप से इसमें आपको 4000 का लेवल देखने मिलेगा। तो जो शॉर्ट टर्म हमारा टारगेट होगा वो 3590 रुपीज का, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। और यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देखने मिलता है तो फिर 4000 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। फिर जो अगला स्टॉक्स है वो है TCS। TCS भी देखिए काफी बेहतरीन लेवल्स पे है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो देखिए काफी बड़ी गिरावट इसमें देखने मिल सकती है। तो थोड़ा सा TCS में आपको कॉन्शियस रहना है। स्टॉक्स देखिए बहुत ही बेहतरीन मोड में है, ग्रोइंग मोड में है, लेकिन यहाँ पर बायबैक भी आया है जो कि 4500 रुपीज पे है। तो अगर बायबैक के प्राइस की ही बात करें तो यहाँ से काफी बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकता है अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं। ये 4500 के टारगेट को अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 20% अगर बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आप अगर लेते हैं स्टॉक्स को तो यहाँ पर आपको 20% से ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है। साथ ही साथ अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ये जो सपोर्ट रीजन है, मतलब जो बायबैक है TCS का, अगर उसमें कोई नेगेटिविटी आ जाती है, मतलब मार्केट उसको नेगेटिव रूप में ले लेता है, तो फिर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये जो है नीचे इस लेवल तक आ सकता है जो कि 3400 तक। ये तो बायबैक का प्राइस हो गया कि 4500 है। वही रेसिस्टेंस की बात करें, इसका जो ऑल टाइम हाई है जो कि 4030 रुपीज, ये इसका रेसिस्टेंस लेवल होगा।
तो अगर ऐसे हम टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करें तो ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है, ऐसे में आपको बाइंग नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पर काफी बड़ा हो जाएगा। देखिए स्टॉप लॉस भी यहाँ पर लगभग 400 रुपीज का आपका हो जाएगा, 300 रुपीज का, और टारगेट भी मात्र आपको यहाँ पर 250 रुपए का मिलेगा। तो टारगेट और स्टॉप लॉस के बेसिस पे ये स्टॉक्स बाइंग नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से बाय कर सकते हैं। ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक को तभी हम बाय करेंगे जब आप बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए बायबैक है, अगर बायबैक को मार्केट पॉजिटिव लेता है तो निश्चित रूप से स्टॉक में रैली देखने मिलेगा और ये लगभग 4500 तक जा सकता है। फिर जो अगला स्टॉक है वो है हेवेल्स। देखिए हेवेल्स भी काफी बेहतरीन लेवल्स पे है और यहाँ पर स्टॉक्स बाउंस बैक करने की कोशिश किया पिछले दिन, और यहाँ पर बात करें तो इस स्टॉक को आप अभी बाय कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे रखना है जो कि 1135 रुपए के नीचे, और वहीं पर अगर आप इसको बाय करते हैं तो जो टारगेट लेके चलना है पहला वह है 1415 रुपए का, फिर जो सेकेंड टारगेट रखना है वो है 1500 रुपए का, और अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट करता है अपने ऊपरी लेवल से तो 2000 तक के लेवल को आसानी से ये स्टॉक्स दिखा सकता है। तो ये बेहतरीन स्टॉक्स थे जिसमें आप अभी बाय करके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो काफी बेहतरीन ये स्टॉक्स है, पांचों में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।